हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम चलते हैं, चार्ट बनाते हैं, क्योंकि जो होलीडेज होम वर्क होता है उसमें हमेशा स्कूल वाले चार्ट बनाने को बोल देते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो बना लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं बना पाते हैं और वो जो है बड़ी मुश्किल पेश आती है उनको। तो आज उसी के बारे में आपको मैं बताती हूँ कि कैसे चार्ट बनाना है आपने। तो सबसे पहले आपने चार्ट ले लेना है और उसकी मार्किंग कर लेनी है और हल्का हल्का ड्रॉ कर लेना है, और साथ में जो आपको मिला है वो राइट में ऐसे रनिंग में कर देना है, और बाद में करनी है उसकी कलरिंग। तो लो चलो चलते हैं कलरिंग की ओर। ये देखो, मैंने कई कलर्स यूज़ किए हैं इसमें। मैंने पेंसिल कलर यूज़ किया, क्रेयॉन्स किए हैं और स्केच पेन कलर के यूज़ किए हैं, और ऐसे जस्ट जस्ट सिंपल ही आपने डिज़ाइन बना देना है उसमें। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ, ऐसे आपने सिंपल सा जो है उसकी स्कर्ट में सिंपल गोल सर्कल से बना के उसमें जिगजैग लाइंस लगाकर उसको कलर अप कर देना है। और ऐसे ही जो है मैं सारी जो है फ्रॉक को कलर कर दिया है, और आपने अब जो अपर है उसके ऊपर भी लाइंस लगा के उसके ऊपर भी जो है लाइंस लगा दूंगी और शेडिंग कर दूंगी क्रेयॉन से। देखो ऐसे बच्चे बहुत इजीली कर पाते हैं ये, अगर उनको बता दिया जाए कि कैसे कलरिंग कैसे होती है, लाइट शेड में और डार्क शेड में जो है उनको समझाना होता है, जो बच्चों के लिए इजी नहीं है ड्राइंग। लेकिन अगर हम उन्हें एक बार बता दें कि कैसे ड्राइंग करनी है तो वो इजीली ड्राइंग जो है कर पाएंगे, और जो कलर है अच्छे खिल के आएंगे। लाइट और डार्क का कम्बिनेशन करना होता है। देखो मैंने बॉय की शर्ट को भी जस्ट स्लांटिंग लाइन से ही उसको ड्रॉप किया, और उसमें मैंने बाद में कलरिंग कर दी शेडिंग के साथ। ये देखो, ये मैंने शेड कर दिया रेड कलर से ही, और उसको पहले ड्रॉ कर ली उसके बाद शेडिंग कर दी मैंने, सिंपल सा काम हो गया। और ये देखो, इसमें भी मैंने लड़की की जो है अपर है उसको भी मैंने कलर कर दिया, और जो हेयर्स हैं उसको भी मैंने ऐसे शेडिंग कर दिया। उसको डार्क कभी नहीं कलर करना आपने, बिल्कुल लाइट शेडिंग के साथ कलर फिल करना है। और अगर आप एक में डार्क करना शुरू कर दोगे ना तो घंटों करते रहोगे और थक जाओगे। ऐसे लाइट शेडिंग करके आपने जो है कलर करने हैं, और बिल्कुल भी आप थकोगे नहीं और फटफट से हो जाएगा आपका काम। ये दूरबीन है, उसमें भी लाइट शेडिंग कर दी मैंने पर्पल शेड में। ये देखो कितने इजीली वर्क जो है हो जाता है फट से। आप सब ऐसे ही बड़े आराम से जो है शेडिंग कर सकते हो, और आपका वर्क भी इजी हो जाएगा शेडिंग के साथ। देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है मेरे को, आप ऐसे ही काम कर सकते हो अपना, और देखो फटाफट से आप मज़े के मज़े और ड्राइंग की ड्राइंग हो जाएगी। बस सिंपल सा ऐसे कलर करना है आपने, और थोड़ा डार्क शेड जहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ पे हल्का सा आउटलाइनिंग दे देनी है आपने, जैसे मैं दे रही हूँ डार्क लाइन की शेडिंग, और आपने बाद में कलर अप कर देना। ये मैं थोड़ा सा स्केच पेन से ड्रॉ कर रही हूँ आउटलाइनिंग, ताकि जो पीछे की ब्रिक्स जो हैं आप खिल के बाहर आए जो है ना दिख रही है पीछे। ये देखो ब्रिक्स में कलर सिंपल शेडिंग ही कर रही हूँ मैं, कोई घिसा के नहीं करना है आपने रंग को, कभी भी जो कलर है आपने घिसाना नहीं है, ज़ोर ज़ोर से हाथ में नहीं करना है, हल्का पकड़ना है और उसको स्लाइड लेके उसको जस्ट हिलाना है आपने। ये देखो कितना अच्छा बन के बाहर आया हमारा। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी आपके लिए मालपुए की, तो रेडी रहना आप उसके लिए, तो तैयार रहिएगा। और साथ ही मैं लेके आऊँगी, मैं मायके में गई थी तो वहाँ पे हम गए थे मॉल में, तो वहाँ का जो मॉल का दृश्य है देखते ही बनता था, तो आपके लिए भी ये इंजॉयबल होगा। और जल्दी ही लेके आती हूँ ये दोनों ब्लॉग्स, ये मैंने ब्लॉग बनाया है, तो प्लीज़ इंजॉय करना, फुल वॉच करना। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और इंजॉय करना फुल वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जल्द ही मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक लिखते मुझे इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद।